वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अब हर स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट गई है। इस बार चुनाव प्रचार में एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, यह तस्वीरें बेहद खास है। बता दें कि तस्वीरों में चुनावी सभा में मौजूद यह कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि अपनी मां को जिताने के लिए चुनावी संग्राम में कूदी डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव है, जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी मां के लिए वोट अपील करने की ठानी है। सिर्फ ठानी ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अदिति यादव एक चुनावी सभा में मौजूद हैं और उनके साथ ना ही डिंपल यादव है ना ही अखिलेश यादव है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अदिति यादव अपनी मां डिंपल यादव के लिए चुनावी सभाएं स्वयं अपना काफिला लेकर करती दिखाई दे रही हैं। यहां उनके समर्थकों और शुभचिंतकों की ओर से सबसे पहले चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील भी की है। नेताजी ने जिस तरह से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के और उस समाज जो हमेशा हाशिए पे रहा उस समाज के संघर्ष की लड़ाई लड़ी, पूरे देश के नेता थे वो, लेकिन मुझे लगता है मैनपुरी सबसे सौभाग्यशाली जगह है कि नेताजी की ये कर्म से परिवार से मिलने आई है, उनका आशीर्वाद लेने आई है। और कहते हैं जब बेटी अपने घर में जाती है और अपने माँ बाप से बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगती है तो उसके उसको इतना आशीर्वाद देते हैं कि शायद ही वो हमेशा याद रखे। और इसी भावना से हमारी बहादुर बेटी शिक्षित है जो, और अपनी माँ की तरह ही मिलनसार है, लोगों का सुख दुख समझती हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप लोगों के बीच में अपना आशीर्वाद, आपसे आशीर्वाद मांगे। अदिति यादव जी 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे।